सादगी का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मुकुट पहनते हैं, कभी काज पहनते हैं, ये कैसी आस्था है? आपको नए नए लिबास पहनने का शौक है? मुकुट पहनना या ताज ऐसा तो हमने कभी नहीं पहना। हो सके कि पगड़ी है, बेल्ट है, तो वो क्योंकि हम रॉक गाते हैं, उस तरह के गीत गाते, जैज है, पॉप है, रैप है, हिप हॉप है, मेलोडी है, क्लासिक है, हर तरह का सॉन्ग गाते हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ताकि उसको सुन के जो नौजवान है वो गंदगी सुनने की बजाय अच्छी चीज सुने। और वो डिमांड करते, हमने ये बोला था लोगों से कि आप जो कहोगे वो हम मानेंगे, हम जो कहेंगे आप। तो यूथ ही हमसे कहता है, 5 करोड़ में 70% यूथ है, कि गुरुजी आप इस तरह के कपड़े पहनो, जींस पहन के आओ, आप टी शर्ट पहनो, तो जैसे वो चाहते हैं। रूबरू प्रोग्राम होता है हमारा, रूबरू नाइट, उसमें 8 घंटे हम प्रोग्राम देते हैं, लोगों को माइक भी देते हैं कि कोई भी सवाल हमसे करें, पूछे, तो उसमें फिर हम 3 ड्रेस बदलते हैं रात में, 1, 2, 3, और 3 एंट्री भी करते हैं, स्टंट करते हैं, ताकि यूथ को, मेन मकसद हमारा यूथ को चेंज करना, तो उसी के लिए पहनते रहते हैं, हमें शौक शाक किसी चीज का नहीं, हमारा मेन ड्रेस तो यही होती है। हमें कुछ आप सुनाएंगे, अगर आप सुनाना चाहें तो, आपने कहा कि आप रैप करते हैं, रॉक स्टार हैं, तो हमें भी कुछ सुना दीजिए। हमने अभी एक फिल्म में सॉन्ग गाया है, क्योंकि हमने ये जितने भी सुने तो वो ये था कि लोग शराब को बढ़ाई दे रहे हैं, सारी रात पियो, जम के पियो, 4 बोतलें पियो, 10 बोतलें पियो, पता नहीं क्या क्या सुनने में मिलता है, तो उसके ऊपर हमने एक सॉन्ग, एक लाइन हमारे ख्याल में है, क्योंकि ज्यादा तो हमारे ख्याल में नहीं, तो वो आपको सुना देते हैं। दारू को गोली मारो साली को जला डालो, दारू को गोली मारो साली को जला डालो, एक गोली मारो साली को जला डालो, तो इस तरह का सॉन्ग हम फिल्म में ला रहे हैं। ये लिखते भी आप ही हैं या सिर्फ गाते हैं? लिखते भी हैं, इसका म्यूजिक भी बनाते हैं और गाते भी हैं। ये जो फिल्म आपकी आ रही है, ये फिल्म आपने, आपको क्यों लगा कि फिल्म बनानी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली जो बाकी संत या जो फकीर है उनका गानों की तरफ, हो सकता है ये आपका अंदाज हो दुनिया को सुधारने के लिए, आपका हो सकता ये स्टाइल लोगों को पसंद आता हो या आपकी संगत को पसंद हो, लेकिन दूसरे फकीर या संत इस तरह से नहीं करते, तो आपको फिल्म का ख्याल क्यों आया और उसमें अभिनय भी आप ही नहीं किया? जी जी, 100% हमने ही अभिनय किया है उसमें, और इसका ख्याल भी यूथ को और पूरी दुनिया को बदलने के लिए आया। जैसा समय होता है, रूहानी सूफी फकीर जो होता है वो उसी अंदाज में लोगों को समझाता है। अब अगर हम वो क्लासिकल गाएं जो पुराने समय में हमारे महापुरुषों ने लिखा, तो आज लोगों को समझ ही नहीं है उस चीज की। आज जो बच्चे पसंद करते हैं, वो जैज करते हैं या मेलोडी करते हैं, रैप करते हैं, तो क्यों ना भगवान के शब्दों को उसी अंदाज में गाया जाए, और क्यों ना ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसे माँ बाप समेत अपनी बेटियों की उन्हें देख सके, और जिसे सुन के एक शिक्षा मिले। इसमें हम नशे को छुड़वाने के लिए यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, बुराइयां छुड़वाने के लिए यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसमें हमने लोगों को दिखाया है कि मांसाहार से ही पावर नहीं आती। अगर हम इस एज में भी कोई भी स्टंट उसमें है वो हमने सारे खुद किए हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो इसका मतलब जो प्योर वेज है उसमें बहुत पावर है, ब्रह्मचर्य में बहुत पावर है। आप करके देखिए, अगर हम करते हैं हमें वो हो रहा है, तो हम भी तो इंसान है, आप भी इंसान है, तो हमें वो आ सकता, आप में क्यों नहीं आ सकता? तो मेनली हमने यूथ जो नशों की तरफ जा रहा है, यूथ जो बुराइयों की तरफ जा रहा है, वैश्यावृत्ति की तरफ जा रहा है, उससे हटाने के लिए हमने इस फिल्म को बनाने का सोचा। आपको नहीं लगता कि आपका जो ये एजेंडा है, अगर आपके खिलाफ ये सीबीआई के केसेस ना होते तो शायद ये देश में और प्रभावी ढंग से चलता? हमें जो लग रहा है कि जो हमने अभी जो गाने का बोला कि उसमें बहुत ज्यादा कट होता है, अलग अलग एरिया से हर बार प्रोग्राम होता है, 7 दिन में 7 सॉन्ग हम लिखते हैं, उनकी धुनें बनाते हैं, म्यूजिक मौके पे देते हैं, लाइव होता है सब कुछ, तो उसमें लगभग 1 लाख से 2.5 लाख लोग आते हैं, अलग अलग एरिया से, और उनमें बहुत नए होते हैं, कम से कम 20,000-50,000 लोग नए भी होते हैं। तो अब जब इतना प्रभाव पड़ रहा है तो हमें लगता नहीं कि तब कुछ और होता और अब कुछ और होता, वैसा ही प्रभाव अब पड़ रहा है और वैसे ही तब होना था, हमें जो लगता है, क्योंकि अब भी फिल्म के बारे में इतनी ज्यादा एक्साइटेड हैं लोग, कह रहे हैं गुरुजी क्या वाकई रियल चीज कोई आएगी सामने, तो वो रियलिटी है जो हम सामने लाए। आपने उसका नाम भी बदला फिल्म? जी 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 जी, उसमें वो थोड़ा लगा कि टफ है लेने में और कुछ नहीं, कि वो द ट्यूब वंडर रेवोल्यूशनरी था, तो अब के द मैसेंजर होगा, थोड़ा जुबान पे अच्छी तरह चल जाए। मैं 5 साल पीछे चलता हूँ, पंजाब में बड़ा विवाद हो गया था एक आपकी पोशाक को लेके, हालांकि अब पुलिस ने वो मुकदमा बंद कर दिया, दर्ज भी पुलिस ने किया था, बंद भी पुलिस ने कर दिया,
वो क्या सत्य था उसका पोशाक का, आखिरकार लोग जानना चाहेंगे ये बात कि बाबा खुद अपने मुंह से बताएं कि आखिरकार क्या वजह थी उस पोशाक को पहनने की। ऐसी पोशाकें जो आती थी असल में वो मुगल बादशाह के समय की थी, और ऐसी हम एक रूहानी जाम पिलाया करते थे तो उसमें वो पहना करते थे कि कोई भी ले आया। जब ये बात मुद्दा हुआ तो हमें समझाने के लिए मुस्लिम का हेड आए, चीफ आए, ऐसे मुनि आए, तो अलग चार धर्मों के लोग उस समय हमारे पास आए थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी ऐसा ही होता है, आपको कोई दे दे तो आप पहन लेते हो। हमने कहा हाँ, कहते ले मेरी टोपी पहन के दिखाओ। हमने कहा भी पहना दो, तो उनकी पहनी, उन्होंने गमछा वो मुस्लिम सारा हमारे पहना दिया। कहते हाँ अब हम मानते हैं कि आपने, और उन्होंने वो चेक किया ड्रेस, गुरु साहबानों की ड्रेस वो अभी भी तलवंडी साहबों में या वहाँ पे है, आप चेक कर सकते हैं वो ड्रेस और वो ड्रेस, जमीन आसमान का फर्क है, कोई मतलब ही नहीं है ना, मैंने कोई ऐसा बाज पहना ना तलवार ना घोड़ा ना कुछ ऐसी चीजें, अचानक किसी ने लाके दी और वो 94 से हम पहन रहे थे तब कोई नहीं बोला, तो हमें लगता वही चीज किसी ने किसी, या तो ड्रग माफिया होगा या फिर जिनको राजनीति का चक्कर होता उनकी वजह से हुआ होगा, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी, क्योंकि हम तो आज भी कह रहे हैं तब भी बोला था कि गुरु साहबान तो भगवान स्वरूप है, हम तो खाक है, हम तो उनके कदमों की धूल तक नहीं, हम कैसे उनकी बराबरी का सोच सकते हैं, तब भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं ये शब्द, तब किसी ने शायद लाए नहीं और आज शायद आप सामने ले आए इन चीजों। अकाल तख्त ने हुक्मनामा जारी कर दिया आपके खिलाफ उस सारे विवाद के बाद, आपको लगा नहीं कभी कि एक फकीर जैसे बोल रहे हैं अभी आप, एक फकीर को जाके वहां बोल देना चाहिए कि आखिरकार किस चीज का सामाजिक बहिष्कार, आपने वो पहन क्यों नहीं की? हमने बहुत बार पहन की, यहाँ उनके लोग आए, मीडिया जो बीच के लोग माध्यम वो लोग आए, उन्होंने कहा गुरु जी आप लिख के दे दो साइन करके, हमने लिख के दे दिया, कहते नहीं इसमें आप ये चेंज करके दे दो, हमने वो चेंज करके दे दिया, तीसरी बार नहीं गुरु जी ये चेंज करके दे दो, हमने कहा लो ये चेंज करके, सीधे अकाल तख्त पे जाने की, उन्होंने बोला कि हमें इतने काफी, आप सीधे अकाल तख्त पे जाने की बीच बीच बिचौलियों को साइड पे करके आपने सीधे अकाल तख्त पे जाने की पहल क्यों नहीं की? क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं, ना ही हमने सोचा इस बारे में, क्योंकि हमें लगा कि जब ये लोग ये चाह रहे कि इसी से बात है तो हमें वहां जाने का ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये लिख के दे दो आपको कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। उनके खासम खास लोग ही आए थे और उन्होंने हमसे वो लिखवा के लिया और वो भी चला था कि हाँ जी ये होने वाला है, लेकिन फिर क्यों नहीं हुआ ये तो भगवान जाने। जब वोट लेने के लिए लोग आपके पास आते हैं तब आप नहीं कहते हैं कि ये मसला भी हल होना चाहिए, आपने कभी शर्त नहीं रखी उनके आगे? जब भी जितने लोग भी आए हैं पंजाब से भी बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ जी बिल्कुल सभी लोग आते हैं, हमने कहा हर पार्टी के सभी लोग लगभग लगभग हमारे पास आते हैं, और हमने हर किसी को बोला कि भाई क्यों आप भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, ये हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ना ही हमने कभी सोचा था, आप हमारी इतनी सत्संगी हैं एक शब्द बोल दो हमने किसी धर्म के खिलाफ बोला हो कभी, तो आप इसको समाप्त करें। सभी ने कहा हाँ जी करेंगे, पर ढाके तीन पात वाली बात, हुआ कुछ भी। आपको लगता है कि डेरे की जो गतिविधियां पंजाब में थी इस पूरे विवाद के चलते उनमें बहुत कमी आ गई, तो नुकसान तो डेरे को ही हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ दूसरा हफ्ता जो होता है लगभग वो पंजाब का सत्संग होता है, और जितने लोग वहां आया करते थे, हम सलाबतपुरा में जाया करते थे, वहां नशा छोड़ने वाले 2000 से 5000 के बीच में लोग होते थे। अगर पंजाब में और ज्यादा नशा छुड़वाने की जरूरत है अगर आज के आप हालात देखें। जी जी, और वो हमारी बात बीच में थी कि जितने लोग वहां 2 से 5 के बीच में आते थे और यहाँ 4 से 7 के बीच में आते, उतने लोग पंजाब से सिर्फ स्पेशली उस हफ्ते में, तो वो चीज तो नहीं हुआ। हाँ जो आप कह रहे हैं कि अगर हम वहां जाते और अब जाएंगे जैसा कि लग रहा है कि लोग चाह रहे हैं, तो अगर वहां जाते हैं तो नशा जल्दी छूटेगा और लोग जल्दी छोड़ेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि विरोध भी होगा अगर आप वहां जाएंगे तो? फिर हो सकता है ऐसा हो, पर हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो तभी जाए। कब तक आपने क्या इस सिलसिले में बात शुरू की है किसी स्तर पे? हमारे जो वहां के 45 मेंबर पूरे पंजाब के चुने हुए हैं वो इस बारे में लगे हुए हैं कि भाई हाँ हम लोग नशा छुड़वाएंगे, हम लोग सत्संग करेंगे, तो आप लोग भी साथ चलिए, हम सब मिलकर नशा छुड़वाएंगे। एक पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं हम कि बाबा कैसे, बाबा को गद्दी दी गई और कैसे शाह सतनाम जी के संपर्क में आप पाए, क्या आप बचपन के बाद करते रहे हैं, उस बारे में जानना चाहते हैं आपसे। हम 1972 में पहली बार सरसा हरियाणा आए थे और हमारे ननिहाल से कुछ लोगों ने पहले गुरुमंत्र लिया हुआ था, हमारे शायद नानी जी थे मामा जी थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे हैं संत हैं महापुरुष हैं, तो अंदर से ख्याल भी था कि ऐसा, हम तो तब सिर्फ 5 साल के थे, तो गुरुजी के पास आए, और जैसे गुरुजी के पास आए तो हम जा रहे थे अपने पिताजी के साथ, उन्होंने बुलाया ये कौन है, उन्होंने बोला कि ये तो नंबरदार है फलां गाँव के, उनका बेटा है, तो कहते ठीक है कुछ नहीं। गुरुजी गए बैठे नाम देने लगे गुरुमंत्र, तो हम पीछे बैठे थे, तो गुरुजी ने बुलाया इधर आके बैठो,
हम उनके पास बैठ गए, यहाँ उन्होंने बुलाया, पिताजी भी हमारे साथ थे, तो वो गुरुमंत्र लिया। उसके बाद हमने यहाँ सत्संगी होती राजस्थान में, गुरु जी सत्संगे करते, तो हम भगवान की कृपा से 6-7 साल के टाइम पे चलाने लग गए थे। हालांकि हम स्टीयरिंग के ऊपर से कुछ नहीं दिखता, हम साइड से चलाया करते थे, तो वहां लोगों को नशा छुड़वाने के लिए लेके आते गुरु जी के पास, नशा छुड़वाते। तो यूं करते 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 फिर सत्संगे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे पास गाड़ी आई, हमने फिर उस गाड़ी से लोगों को सत्संग पे लेके जाना या साथ संगत की सेवा करना ये शुरू कर दिया। तो फिर गुरुजी ने अचानक हमें बुलाया 90 में, क्योंकि हम सेवा करते ही थे, गुरुजी की निगाह में थे, गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी कई यात्राएं की उनके साथ रहे, सत्संग करते रहे तो उनके साथ रहते थे, तो फिर वो बुला लेते थे, हम बाहर खड़े होते थे क्योंकि उनको बुलाओ। तो 2 साल पहले से ही हमें उन्होंने बुलाना शुरू किया, ज्यादा ऐसे पहले बुलाते लेकिन फिर बुलाना शुरू कर दिया, अंदर बुलाना, बैठना, पूछना बातों बातों में कि आपके कितने बच्चे हैं, हम बताते जी ऐसे बेटियां बेटा है, कितनी उम्र है, वो तो बहुत 1 साल की करीब जब लास्ट में पूछा तो बड़े बेटा जो 4-5 साल का, बेटी भी ऐसी है, तो कहते आपके पिताजी मजबूत हैं, हमने देखा है, वो संभाल लेंगे ना उनको। तो हम कहते आपकी रहमत हो, सब कुछ होता है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो फिर उन्होंने पहले ही हमसे बिना पूछे अपना हमारा नाम उन्होंने बोला कि सात संगत को जो खास मौजूद लोग थे कि भाई उनको बुलाना है, हम गुरुगद्दी पे उनको बिठाएंगे, और फिर 1.5 साल हमारे साथ रहे। नरेंद्र मोदी से आप प्रभावित तो लग ही रहे हैं मुझे, चाहे उनके कामों से हो, आप क्या चाहते हैं कि देश के लिए नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? हम चाहते हैं जैसे इन्होंने सफाई महाअभियान चलाया इसी तरह कन्या भ्रूण हत्या भी रोकी जाए, इसी तरह तंबाकू और जितने नशे हैं उनको बंद करके उनकी जगह जड़ी बूटियां आज लगाई गए, औषधीय जड़ी बूटियां। जितना पैसा शराब से, जितना पैसा तंबाकू से आता है, हम गारंटी देते हैं, हम पूरे वर्ल्ड को वो जड़ी बूटियां एलोपैथी आयुर्वेदा के रूप में देंगे, पाउडर बना के तो एलोपैथी की दवाइयों में पड़ेगा, उससे ज्यादा आमदन हम इन चीजों से ले सकते हैं और हमारे पूरे देश का भला होगा। तो ऐसी ही चीजें हम उनसे चाहते हैं कि वैश्यावृत्ति पर रोक लगे, क्योंकि इसमें हमारा समाज का बुरा हाल होता है, लोग गलत रास्ते पे जाते हैं। हमने भी ऐसा प्रयास कर रखा है, उनको शुभ देवी कहते हैं, जो भी वैश्या हमारे पास आती है उसको अपनी बेटी बनाते हैं, उनका इलाज कर 17 शादियां हम उनकी की, तो हमारे पास 1500 नौजवान है जो उनसे शादी करवाने को तैयार बैठे हैं। तो हम नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि आप वैश्यावृत्ति में लिप्त मजबूर लड़कियों को वो छुड़वा दें और उन्हें हमारी बेटी बनवा दें, तो हम 1500 नौजवान लड़के उनसे शादी करवाने को तैयार हैं, उनके अगर बच्चे भी हैं उनको भी वो अपनाएंगे। तो हम तो समाज भलाई के जितने भी कार्य हैं ये सारे उम्मीद करते हैं कि वो ये सारे काम करें। हम आपने बोला उनसे प्रभावित, उनके काम से प्रभावित, जो आपने दूसरी शब्द बोली, क्योंकि हमारा हम शुरू से कहते आए, आप 90 से कभी भी हम, जैसे आप तो सर्च कर सकते हैं, हम यही बोलते आए हैं कि कोई भी समाज का भला करेगा हम उसका हमेशा साथ रहेंगे, वो अपना नाम दे दे उस चीज को हम उसके साथ चल पड़ेंगे। जैसे हमने सफाई का ये दिया था, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, तो उन्होंने दिया कि स्वच्छ भारत, तो हमने उसके ऊपर लिख दिया स्वच्छ भारत, नीचे वो स्लोगन लग जाता है कि इससे भी ये भी एक चीज है, इससे एक संदेश भी जाता है। तो हम कहते हैं कि सारी चीजें 104 कार्य को कोई अपना ले, लेकिन समाज का भला होना चाहिए किसी तरह। एबीपी न्यूज पर बाबा राम रहीम के साथ सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।